Hey channel, welcome to my guys. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी ऑसम टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि हर पबजी मोबाइल प्लेयर्स को पता होनी चाहिए। अगर गाइस आपको नहीं पता या आपको पता भी है तो भाई आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस ये टिप्स और ट्रिक्स आपकी गेम प्ले इम्प्रूव करेगी और आपकी गेम प्ले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइज, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो यार। तो गाइज, मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पे रिस्पांस बहुत अच्छा अच्छा दे रहे हो, लेकिन यार आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो गाइज देखो, 2.9 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बस 96.4 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई, सही में दिल से बुरा लगता है यार। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। टिप नंबर 1, क्राउच जंपिंग। गाइस क्राउच जंपिंग जो है वो काफ़ी सिचुएशंस में यूजफुल मानी गई है, क्योंकि गाइस अगर आप नॉर्मल जंप करते हो या फिर वॉल्टिंग करते हो, वॉल्टिंग का मतलब जैसे आप नॉर्मल जंप हो गई वही, तो गाइस अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप शॉट शूट नहीं कर सकते, शूट और जंप एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप क्राउच जंप करोगे तो आप शूट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा गाइस, एनिमी पे आप प्रेशर डाल सकते हो, और एनिमी अगर आप शूट नहीं करोगे तो एनिमी को एडवांटेज मिल जाएगा आपको किल करने का, क्योंकि आप उस टाइम शूट नहीं कर रहे होगे और एनिमी उस टाइम शूट कर रहा होगा, तो ये एक एडवांटेज है एनिमी के लिए। लेकिन अगर आप फायर भी एक साथ कर रहे हो और जंप भी एक साथ कर रहे हो तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जिससे आप एनिमी पे प्रेशर भी कर सकते, प्रेशर भी डाल सकते हो। गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों के डिफरेंस हैं, क्राउच जंप और वोल्टिंग के। तो गाइस आप देख सकते हो कि क्राउच जंप में आप फायर कर सकते हो और वोल्टिंग में आप फायर नहीं कर सकते, तो भाई एक बार क्राउच जंप जरूर ट्राई करना। और गाइस क्राउच जंप से भी ज़्यादा एडवांस लेवल है प्रोन जंप, जो कि भाई बहुत कम लोग उसे आसानी से करवाते हैं, क्योंकि प्रोन और जंप एक साथ दबाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड गाइस सब उससे भी ज़्यादा अच्छी टिप ये है कि FPV पे करो और वही क्राउच और जंप करो, और लेकिन विंडो फ्रेम पर जाकर बैठ जाओ और भाई पीक लो और आराम से मारो। गाइस कभी कभी क्या होता है, कैसी कोई बिल्डिंग होती है ऊंची होती है, जैसे आप जंप करोगे तो आप सामने वाला बंदा आपको मार देगा, तो गाइस सिंपल क्या है, विंडो के फ्रेम पर जाओ, बैठो और पेलो उसको। गाइस ये टिप मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि भाई उतरोगे तो मार देगा बंदा, तो भाई ऐसे करके विंडो के फ्रेम पर बैठो, पीक लो और आराम से उसको किल करो अगर बंदा नीचे है तो। टिप नंबर 2, ऑलवेज लीव 1 बुलेट इन योर मैग टू रिलोड फास्टर। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है इसमें। गाइस कि अगर आप अपनी गन में, आप देख सकते हो मैं DP चला रहा हूँ और DP को मैं पूरा फिनिश कर दिया, और आपने देखा भी 5.4 सेकंड लगे इसको रिलोड में, रिलोड होने में 5.4 सेकंड इतना टाइम ले रही है ये, जो कि है DP। तो और बाकी गन भी टाइम सेम टाइम लेती है, मतलब कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन अभी आप डिफरेंस देखना कि अभी मैं अपनी गन में सिर्फ एक एमओ छोड़ूंगा, सिर्फ एक एमओ, एक पाँच इतनी मर्जी आपकी वो छोड़ सकते, 4.4 सेकंड का टाइम ले रही है गाइस, कम से कम पूरा एक सेकंड का टाइम है भाई, पूरा एक सेकंड। इतने में कभी कभी क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे ने आप पे रश कर दिया तो आप भाई एक सेकंड का भी गैप, अगर एक सेकंड पहले भी आप उसे मार देते ना तो आप बच जाते। तो गाइस इसलिए ये टिप काफ़ी पावरफुल मानी जाएगी जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा बंदे हो, क्लोज में बहुत ज़्यादा बंदे हो तो भाई, क्योंकि भाई इतना देखो रिलोडिंग टाइम कितना ज़्यादा कम है। अभी M4 का भी देखना, मैं M4 का भी दिखा रहा हूँ कि देखो M4 में भी कितनी टाइम, M4 में लिया इसने 1.5 सेकंड्स लिया, लेकिन अगर आप उसमें एक बुलेट छोड़ोगे तो 1.3 सेकंड लेगी, पूरी 0.2 सेकंड्स का गैप। और गाइस अब दोनों का डिफरेंस देख सकते हो आप, दोनों का डिफरेंस 4.4 ले लिया ट्रैक्टिकल रिलोड एंड 5.14 ले लिया फुल रिलोड, तो भाई मतलब कितना ही ज़्यादा एक सेकंड का डिफरेंस, वो भी DP जैसी गन में, तो सोचो DP में इतना, M249 में कितना होगा और बाकी गन्स में कितना कितना डिफरेंस होगा अगर आप मतलब पूरी 0 MO पे रिलोड मत करो, थोड़ा एक दो MO बचा कर रिलोड करो। तो गाइस बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, टिप नंबर 3, ट्राई टू अवॉइड मूविंग इन द ओपन फील्ड एरियाज। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि अवॉइड करो ओपन एरियाज में चलने से। गाइस कभी कभी क्या होता है, हम एंड जोन में सबसे ज़्यादा, गाइस सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप एंड जोन में भी जब आपके एक दो बंदे, पांच छह बंदे रह गए होंगे, अलाइव रह गए हो, 15 भी रह गए हो, तो गाइस आप गाड़ी लेकर घूमो, कोई भी व्हीकल आपके पास हो, डासिया बग्गी जो US कोई भी हो गाइस, मतलब एक व्हीकल अपने साथ रखो, क्योंकि गाइस क्या क्या होता है, क्या होता है कि बंदे क्या करते हैं ना, कोई बोल्ड एक्शन में अच्छा होता है, कोई किस चीज़ में अच्छा होता है, कोई सांप बनने में अच्छा होता है, तो सब लोग इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो भाई सिंपल ये है कि अपना कवर ले लेकर खेलो,
कवर ले, क्योंकि अगर आप ओपन फील्ड में भागोगे ना तो सबसे पहले आप मरोगे। गाइस आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे सामने अपोनेंट में क्या, अपोनेंट क्या कर रहा है, आप टीपी पे ले रहे हो और सामने वाला बंदा एकदम भाग के आ रहा है, उसने आपको मार दिया, मतलब आपने उसको मार दिया, सामने वाला बंदा भाग के आ रहा है, क्योंकि वो मरा इसलिए क्योंकि वो ओपन एरिया में आ रहा है। अगर आप ओपन में हो गए तो आपकी पूरी बॉडी दिखेगी बंदे को, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के कवर में होंगे, जैसे कोई वॉल की कवर या किसी चीज़ की, तो आपका या तो थोड़ा बहुत बॉडी दिखेगी या हल्का सा हेड दिखेगा, जो कि बंदा अगर उसका बंदा रिकॉल एकदम बंदे का रिकॉल बहुत अच्छा है तो आपको किल कर देगा, वरना वो नहीं कर पाएगा। सो गाइस ट्राई टू अवॉइड मूविंग इन द ओपन फील्ड एरियाज। तो गाइस हमेशा कवर लेकर भागो, ओपन फील्ड में कभी मत भागो। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 4, डोंट स्टैंड रियली क्लोज टू द विंडो। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि विंडो या फिर किसी भी खुले एरिया के ज़्यादा क्लोज मत खड़े हो। गाइस देखो अभी जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बंदे ज़्यादा क्लोज खड़े हो जाते हैं दीवार के या फिर किसी कवर टीपी पे लेते वक्त, सामने वाले बंदे को टीपी पे ले रहे हैं तो वो ज़्यादा क्लोज खड़े हो जाते हैं। तो गाइस ये चीज़ गलत है। अगर सामने वाला बंदा आपको बहुत प्यार से मार सकेगा, या तो आप प्रोन हो जाओ, अगर आपको बंदा दिखे प्रोन होए रखो। प्रोन होने से क्या होगा कि आप बिल्कुल भी दिखोगे नहीं कि बंदा आपको बिल्कुल स्पॉट नहीं कर पाएगा, और अगर वो थोड़ा दूरी पे है ना आपसे तो उसको आपकी आवाज़ भी नहीं आनेगी पैरों उसकी फुट की। तो गाइस इसलिए प्रोन हो जाओ, कभी भी खड़े मत रहो, क्योंकि गाइस बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं दीवार के विंडो या फिर दीवार की कवर लेते टाइम, जो कि ये सेफ नहीं है और आप बहुत अच्छा आसानी से किल हो जाओगे यार। तो ऐसा मत करो भाई। अगर आप किसी भी विंडो या फिर किसी भी डोर के ज़्यादा ही क्लोज खड़े हो गए ना तो भाई आदमी कोई भी एनिमी होगा वो बहुत अच्छी आसानी से आपको स्पॉट कर लेगा और आपको आसानी से किल भी कर लेगा। तो भाई प्लीज़ प्रोन हो जाओ, एंड मतलब प्रोन हो जाओ, उससे क्या होगा अगर आपको कोई बंदा स्पॉट हो रहा है तो आप एकदम फटाफट स्टैंड करो और पीक लो और फटाफट मार दो और तुरंत प्रोन हो जाओ। प्रोन होने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, कल आपको पता है अचानक में जाके सांप बन जाओ तो किसी को भी मार सकते हो आप, तो इसलिए ऑलवेज यूज़ प्रोन। टिप नंबर 5, येलो कलर ब्लड इज मोर विजिबल टू मोस्ट ऑफ द प्लेयर। गाइज येलो कलर जो कि अब आजकल ब्लड कलर, मतलब ब्लड कलर आने लगे, रेड का ब्लड कलर, ग्रीन ब्लड कलर और बाकी येलो कलर भी ब्लड कलर भी आने लगे, तो गाइज ये सब ब्लड कलर्स हैं जो कि गाइज ये आप ये सब अगर ब्लड कलर्स भी भाई बहुत मैटर करते हैं। अगर क्या स्मोक हो रहा हो या फिर बंदा कोई प्रोन हो रहा हो तो भाई आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी, आप उसको हिट करो तो आप आसानी से उसका कलर देखकर आप बता कर सकते हैं कि बंदा एग्जैक्ट है कहाँ। एरेंगल मैप का थोड़ा ग्रीन और येलोइश कलर है, तो गाइज इसलिए एरेंगल मैप में आप रेड ब्लड कलर यूज़ करो। एंड सेनोक हमारा पूरा ग्रीन कलर में है, यानी कि पूरा जंगल टाइप का, तो उसमें आप येलो ब्लड कलर चूज़ करो। एंड आपका अगला हो गया मीरामार। मीरामार एक डेजर्ट मैप है, तो एक पूरा येलो कलर का मैप है मीरामार, तो गाइस उसमें ग्रीन कलर यूज़ करो क्योंकि आपको बहुत आसानी से स्पॉट कर पाओगे बंदे को। अब तीसरा हमारा विकेंडी। विकेंडी हमारा वाइट कलर में, तो आप रेड एंड ग्रीन कलर का ब्लड यूज़ करो, क्योंकि येलो भी थोड़ा वाइट हो जाएगा, थोड़ा मतलब कम प्रॉब्लम आएगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए विकेंडी में रेड एंड ग्रीन यूज़ करो। तो गाइस बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, और भाई प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप भाई वीडियो को देख के चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब भी कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। और भाई इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया मैं आगे भी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो निकालता रहूँगा, गनों के कंपैरिजन निकाल दूंगा, गन के कॉम्बिनेशंस निकाल दूंगा कि कौन सी गन के कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर हैं, रश अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं या आप बोल्ड एक्शन स्नाइपर प्लेयर हैं, सपोर्टर हैं, मतलब हर प्लेयर हर टाइप के प्लेयर के लिए आप कॉम्बिनेशन निकाल दूंगा मैं गन की, कि कौन से गन का कॉम्बिनेशन प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। तो गाइस अगर आपको वो चाहिए तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना कि गाइस ऐसी वीडियो और डालूँ या नहीं। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो में। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।